Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। पापा का सब्जी का दुकान है, सब्जी बेचते हैं यहीं पर। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं थी, मुझे इतना लगा था कि मेरे अच्छे मार्क्स तो आएंगे जरूर। मैं 85 के करीब अप्रॉक्स उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैं टॉप कर गया तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी मैं बिहार के कॉमर्स के टॉपर अंकित कुमार गुप्ता से बात करने जा रहा हूँ कि उन्होंने अपनी सफलता किस तरह प्राप्त की और इस मुकाम तक पहुँचने में उनको क्या क्या दिक्कतें हुई, आइए उनसे बात करते हैं। बताइए अंकित जी कि आपके पिताजी, पहले बताइए कि क्या करते हैं। मेरे पापा का सब्जी का दुकान है, सब्जी बेचते हैं यहीं पर। तो आपको पढ़ाई करने में माता पिता से किस तरह की सहायता मिली है अभी तक? हर तरह की सहायता मिली है मुझे, फिर चाहे वो किसी भी रूप से हो। अगर मैं टेंशन में भी रह रहता था तो मेरी मम्मी जान जाती थी और मुझसे पूछती थी, तो हर तरह का सहायता मुझे मिला है। और फैमिली मेम्बर के साथ, साथ मुझे मेरे सर यहाँ पर बैठे हैं उनके साथ। अच्छा, आपको ये उम्मीद थी कि आप बिहार टॉपर होंगे कॉमर्स में खास करके? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं थी, मुझे इतना लगा था कि मेरे अच्छे मार्क्स तो आएंगे जरूर। मैं 85 के करीब अप्रॉक्स उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैं टॉप कर गया तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, ये बताइए कि अमूमन आदमी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करता है, आप कितने घंटे पढ़ते थे? अप्रॉक्स 8 to 9 hours, ऐसे मैंने कभी गिनती नहीं की या कभी देखा नहीं। हर दिन का बस मेरा काम रहता था कि जो भी मुझे काम मिला है उसको मैं कम्प्लीट करूँ, और धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट होते चला गया। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा मेहनत सफल हुआ। आपने मैट्रिक की पढ़ाई कहाँ से की और कितना परसेंटेज आया था? मैंने मैट्रिक की पढ़ाई नौबतपुर BPL रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल से की, उसमें मुझे 92.2% आए थे मैट्रिक एग्ज़ाम CBSE बोर्ड से। फिर कॉमर्स ही क्यों चुना आपने? परसेंटेज तो अच्छी थी उसमें। हाँ, परसेंटेज अच्छी थी, और पहले मेरा फर्स्ट चॉइस साइंस था, पर फिर उसके बाद किसी कारण से मुझे फिर कॉमर्स में आना पड़ा। और मैं खुश हूँ कि मुझे कॉमर्स में आया, अगर साइंस में आता तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। फिर मैंने अपने सर से भी बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे क्या है कैसे इसको, और 2 साल मुझे पढ़ाया लिखाया, तो बाद में बहुत खुश हूँ कि मुझे वो मुकाम मिला जो शायद मैं साइंस लेकर नहीं पा सकता था। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह की पढ़ाई करेंगे? और आपके पिताजी जो हैं एक सब्जी विक्रेता है, तो आने वाले समय में आपको पैसे के लेकर काफ़ी समस्या सामने आएगी, उसको कैसे सोच के रखे हैं आप? अब वैसा समस्या तो खैर पहले से सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर आएगा तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश यही रहेगा कि जितना हो सके हम उतना आगे जाएं, और जैसा भी मुझे सिचुएशन मिले मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी तो मैं सोचा था कि मैं BCOM करके सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊँगा, अब टॉप किया हूँ तो कुछ इस पर दोबारा मैं विचार करूँगा और फिर किसी नतीजे पर पहुँचूँगा। आइए अंकित के पिता से बात करते हैं कि बचपन से वो किस तरह देख रहे थे बच्चे को और किस तरह सहायता की है, कहाँ कहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताइए आपका पहला अपना नाम बताइए। आप गिरेंद्र साहब। आप क्या करते हैं? हम सब्जी बेचते हैं सर। आपका बच्चा टॉप किया है पूरे बिहार में, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, किसी का ठिकाना बता नहीं सकते हैं कितना खुशी है जी। मेरा तो और क्या, आपको लगा था कि बचपन से इस तरह का ये पढ़ाई में था तेज? हाँ, बच्चे से पढ़ने में तेज है, हमेशा ही फर्स्ट आया, और बच्चे से मतलब पढ़ने में तेज है, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देता है, खेल कूद पर कम ध्यान देता है, इधर उधर ज़्यादा मतलब घूमता फिरता नहीं है, काम था तो गया नहीं तो घर पर ही रहा। आपकी दुकान पर भी सहायता करते हैं? दुकान पर हम सर नहीं बैठाते हैं, और कभी कदाल मतलब खाना वाना खाने आए तो हाँ कुछ ऐसे दुकान पर नहीं बैठा। आगे क्या पढ़ाई करवाना चाहते हैं आप? आगे तो हम इसी को छोड़ दिए हैं कि जो अपना पढ़ना है, हमको मतलब उतना जानकारी नहीं है सर। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हम 10th class तक सरकारी स्कूल में, पहले मतलब 7th तक मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, और 7th से सरकारी स्कूल मान था। क्या उम्मीद थी कि टॉप करेगा?
उम्मीद तो सभी को रहता है सर कि मेरा लड़का अच्छा करे। उम्मीद में ये नहीं था कि मतलब टॉप आएगा, लेकिन था अच्छा नंबर आएगा। आगे पढ़ाई में काफ़ी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो फिर कैसे पूर्ति करेंगे आप? कोशिश करेंगे, देखते हैं, जितना कोशिश हो अपना दिल से तो करेंगे, बस मेहनत करेंगे। यहाँ तक पढ़ाए हैं तो आगे भी देखते हैं। अंकित की माँ से बात करते हैं कि माँ का अहम रोल होता है बच्चे के मामले में और खास करके पढ़ाई के मामले में, तो माँ से पूछते हैं कि क्या खाना पसंद करता है, किस तरह पढ़ाई करता है और क्या कहते बच्चे से शिकायत है या खुशी है, किस तरह का, क्या क्या इसमें अच्छाई है और क्या क्या बुराई है? सर इसमें तो बुराई नहीं है, जो है सो अच्छाई है। इससे हम कभी ना खुश नहीं रहे, हमेशा हम खुश रहे हैं इससे। कितनी देर पढ़ता था? पढ़ता था ये 7-8 घंटा पढ़ता था घर में। खाना में क्या पसंद करता है? खाना में ज़्यादातर दूध रोटी पसंद करता है। अभी भी शाकाहारी है में क्या पसंद करता है? इसका ज़्यादा बढ़िया खाना अच्छा है दूध रोटी, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप भी कहीं काम करते हैं? हाँ हम बुटीक में काम करते हैं। किस लिए मतलब सहायता के लिए? हम अपना बेटा को पढ़ाने के लिए बाहर निकले हैं। हम पहले नहीं करते थे, लेकिन कोरोना के टाइम से मतलब पहले ही से बहुत दिक्कत होने लगा, किराया नहीं जुटने लगा, खाने में भी तकलीफ आने लगा। इसलिए हम सोचे जो मेरे पास जो हुनर है वो हम बचा के क्यों रखें, हम अपन मेहनत करेंगे तो बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, इसीलिए हम बाहर निकले हैं कमाने के लिए। क्या करना चाहिएगा आप अपने बेटे के जो तो टॉप किया है? हम तो बहुत खुश हैं, हम कह नहीं सकते हैं कि हम कितना खुश हैं। जब हम सुने कि मेरा बेटा टॉप आया है तो मेरा आँख से आंसू रुका नहीं खुशी के मारे, लेकिन हम क्या कहें, बहुत बहुत खुश हैं। जितना खुशी कभी नहीं मिला था उतना खुशी हमको मिला है। संयोग से इनके शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनका चेला जो है, शिष्य जो है, टॉप किया आज बिहार में, तो कितनी खुशी है शिक्षक को? मैं सबसे पहले बिहार तक का न्यूज जो है उसको मैं धन्यवाद बोलूँगा, और आप लोग को भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और मैं जो भी बच्चे पास आउट किए हैं उसको भी मेरे तरफ से सारे बच्चे को कंग्रेचुलेशन है। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि मैं एक छोटे से जगह पर पटेल नगर ब्रांच में, पटेल नगर मेरा कोचिंग क्लासेज है, केएन कॉमर्स क्लासेज, एक छोटा सा कोचिंग क्लासेज है जिसमें कम से मिनिमम 20 से 25 बच्चे रहते हैं, और मैं वहाँ से ही लाइफ अपना स्टार्ट किया था मैं आकर, और वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक साल अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा मैं वर्क प्रोवाइड करूँ, सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँ और उस पर काम करूँ। लेकिन मैं सारे बच्चे से, जो भी सारे बच्चे हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि आपको जो टीचर हैं या जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो आपके अच्छे के लिए ही बोला जाता है, और हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर हमेशा फोकस रखिए। सर जो होते हैं और जो गार्जियन होते हैं वो बोलते हैं, लेकिन लगता है कि आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं भी इनको क्लास में बहुत कुछ बोलता था, लेकिन ये वर्क हमेशा पूरा किए हैं। और प्रत्येक जगह पर मैंने देखा कि जब भी मैंने इसको चैप्टर वाइज जो भी कुछ मैं दिया हूँ उस पर वो अच्छा काम किया है। मुझे आज ये फील हो रहा है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया हूँ अंकित को देखकर। मैं क्या बोलूँ, मैं सारे बच्चे से यही कहूँगा कि आप लोग पढ़े, मेहनत करें, और अगर सर जो हैं और अगर पेरेंट्स हैं वो कहते हैं उनकी बात को आप रिस्पेक्ट कीजिए, कदर कीजिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं इससे और क्या, और बाकी चीज़ें तो ये बताएगा ही कि क्लास में कैसे क्या होता था, क्या करते थे, वो सारी चीज़ें बताएगा। अच्छा, कुछ दिन से अंकित ये देखा जा रहा था कि जो भी टॉप करते हैं खास करके 1-10 उन लोगों को बुलाया जाता है इंटरमीडिएट काउंसिल में, और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ था, संडे को मुझे बुलाया गया था सुबह में 10 बजे, और पहले वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और सारे सब्जेक्ट से 5-5, 10-10 सवाल पूछे गए, अच्छे से इवैल्यूएशन हुआ कि सही में ये लायक है या नहीं, और सारे सभी बच्चों से हुआ, लेकिन कुछ वहाँ पे हिंट नहीं दिया गया था
कि आप टॉप किए हैं या आपका इतना मार्क्स आया है। आज अब रिजल्ट है तभी मुझे पता चला।